अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, इसमें यह है कि IBA टेस्ट मैंडेटरी फॉर टॉप पोजीशन इन सिंध एजुकेशन बोर्ड्स। तो सिंध के जो भी बोर्ड्स हैं, जैसे सक्कर बोर्ड हो गया, SPA बोर्ड हो गया, या फिर जो है हमारे पास जैकबाबाद है या शिकारपुर है, जो भी बोर्ड्स हैं सिंध में, कराची बोर्ड है, तो उनमें टॉप पोजिशन के लिए एक जो है न्यू क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई जो भी अब पोजिशन इन पोजिशन पर आएंगी, यानी टॉप पोजिशन पर आएंगे, उनके लिए नेसेसरी है कि वो IBA का टेस्ट देंगे। इससे पहले जो है 27 नवंबर 2023 पे एक प्रपोजल सेंड किया गया था मुराद अली शाह को, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर, ऑडिट ऑफिसर बनेगा उसके लिए लाजमी है कि वो IBA का एक टेस्ट पास करे। उसके बाद टेस्ट पास करने के बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके इंटरव्यूज़ होंगे और इस तरह जो है वो उनकी सिलेक्शन होगी टॉप पोजिशन के लिए बोर्ड ऑफिस में। तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफिस में ऐसे बंदे आएंगे जो कि क्वालिफाइड बंदे होंगे, जिनको कुछ चीज़ों का पता होगा, तो हो सकता है कि कुछ वो अच्छी चीज़ें लाएं, कुछ डेवलपमेंट अच्छी करें एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ऑलमोस्ट जो है इस IBA यानी SIBA टेस्टिंग सर्विस, मेनली हमारे पास जो IBA का टेस्टिंग सर्विस है, जिसके थ्रू जो है अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है इस तरह की टॉप पोजिशन की, तो वो इस तरह होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन हैज़ रिवील्ड दैट Due to the overwhelming number of applicants exceeding 200, the commission has decided to conduct a test through IBA. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें जो है अप्लाई करते हैं इस पोजीशंस के लिए, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है IBA का टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद जो है उनके इंटरव्यूज़ होंगे और उसमें जो क्वालिफाइड होंगे वही जो है सिलेक्टेड होंगे टॉप पोजीशंस के लिए बोर्ड ऑफिसेस में। तो ये आज की एक न्यूज़ थी जो कि मैंने ज़रूरी समझी आपको बताना। होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग ऑल जॉब्स इन द पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।